सो हेलो गाइस, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके चैनल द एस्थेटिक पॉइंट की एक नई वीडियो में। आई होप कि आप सब लोग हेल्दी और सेफ होंगे। एंड गाइस, मेरी साकेत और से सहज वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो मैं लिंक यही कहीं पे आई बटन में छोड़ दूंगा। अभी आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे की तरफ। सो एज पर द टाइटल सजेस्ट, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इज वरुण धवन नेचुरल और नॉट, बिकॉज वरुण धवन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट दैट वी हैव टूडे इन द इंडस्ट्री, और खासकर बच्चों में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और उनको एक यूथ आइकन कहना भी गलत नहीं होगा। और जब उनके पॉपुलैरिटी की बात आती है, तभी उनके फिजिक के बारे में भी बात आती है, और एक क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में ट्रिगर करता है कि इज दिस फिजिक नेचुरल, या क्या ये फिजिक नेचुरली अचीवेबल है। तो चलो पता करते हैं। सो गाइस, उनका जेनेटिक मॉडल को पता करने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक्स में जाना पड़ेगा, मतलब उनकी पुरानी फोटोज की तरफ जाना पड़ेगा। एंड एज पर हिज इंस्टाग्राम, ही स्टार्टेड ट्रेनिंग व्हेन ही वाज 16 इयर्स ओल्ड। सो दिस इज द पोस्ट फ्रॉम हिज इंस्टा वेयर द कैप्शन इज स्वीट 16। In this picture, he seems like a newbie and he had just started the training and he is getting the benefit of newbie gains. And इस फोटो को देखकर हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि he has got a genetically gifted chest, जो उनके फिजिक को और ज्यादा इंप्रेसिव बनाता है। एंड अगर हम लोग उनके दूसरे फोटोज की तरफ चले, लाइक फ्रॉम हिज इनिशियल डेज, सो एक चीज हम लोगों को विजिबली पता चलती है कि ही वॉज नॉट समवन विद द फ्रीकीएस्ट जेनेटिक्स आउट देयर। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, ही वॉज जस्ट एन एवरेज गाय विद एन एवरेज जेनेटिक्स। एंड यहाँ से हम लोग वरुण को डायरेक्टली देखते हैं in his debut movie which is Student of the Year, which was released in 2012, and he was around 25 years old in this movie। और जैसे हम लोगों ने जैसे सभी पता किया कि वरुण started training when he was 16 years old, इसका मतलब ये है कि उन्होंने 9 साल already weight training में दिए हैं। एंड 9 साल में आप obviously newbie gains से बाहर होते हो, और आपके जो न्यू मस्कुलर रिजर्व्स होते हैं वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। मतलब इस टाइम फ्रेम के बाद मसल्स पैक ऑन करना इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क naturally। सो अभी चलते हैं उनकी मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की क्लिप की तरफ। वेयर इज लीन जैक्ड फ्लॉन्टिंग सिक्स पैक एब्स विद द फ्रीकीएस्ट चेस्ट एंड द बैक डेवलपमेंट। एंड एज फॉर द क्लिप, वरुण इज कैरिंग अराउंड 10-11% ऑफ बॉडी फैट। एंड आई फील कि वरुण अपने पूरे करियर में इस फिल्म में सबसे ज़्यादा लीन थे। एंड एक चीज़ आपको आगे बढ़ने से पहले बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दिस मूवी ही वॉज ट्रेंड बाय द सेलिब्रिटी ट्रेनर नेम्ड प्रशांत सावंत। और मैं आपको बता दूं कि ये वही नाम है जिन्होंने शाहरुख खान को हैप्पी न्यू ईयर में और फरहान अख्तर को भाग मिल्खा भाग जैसे मूवीज में ट्रांसफॉर्म करा था। एंड ऑब्वियसली दैट ट्रांसफॉर्मेशंस वेयर नॉट नेचुरल, स्पेशली एट दैट एज। एंड गाइज, ये सारी बातें मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि क्योंकि शाहरुख खान या फरहान अख्तर वेयर नॉट नेचुरल सो वरुण धवन इज ऑल्सो नॉट नेचुरल, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ये बातें बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थी। नो बैक टू वरुण धवन। सो गाइज, आफ्टर हिज मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वी सॉ वरुण इन हिज नेक्स्ट मूवी दैट इज मैं तेरा हीरो, विच वॉज रिलीज इन 2014। एंड दीज आर सम ऑफ द बिहाइंड द सीन्स ऑफ वरुण धवन, वेयर ही इज पंपिंग फॉर हिज मूवी सीन्स। एंड इस क्लिप के बेसिस पर आई वुड से कि इन दिस मूवी वरुण धवन इज कैरिंग अराउंड 12-13% ऑफ बॉडी फैट विद द सेम बॉडी स्ट्रक्चर एंड मसल मास विच वी सॉ इन द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड इसके बाद हम लोग उनको देखते हैं इन द मूवी बदलापुर, विच वॉज रिलीज इन 2015। एंड इस मूवी में भी मैं एक चीज बोलूंगा कि हिज बॉडी वॉज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीवियस मूवीज और हिज प्रीवियस रोल्स। इस मूवी में भी ही इज कैरिंग अराउंड 12% ऑफ बॉडी फैट विद अ सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर। एंड इसके बाद उसी साल उनकी एक नई मूवी आती है, दैट इज ABCD 2। एंड दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ABCD 2, वेर इज लुकिंग लाइक कि ही हैज एडेड सम ऑफ द पाउंड्स ऑफ अ लीन मसल टिश्यू एट इज फ्रेम, एंड एट द सेम टाइम इज ऑल्सो लुकिंग मोर लीन। बट क्या रियली ये बात सच है? ऑफकोर्स नॉट, इट्स जस्ट अ गुड लाइटिंग विच वॉज डिमांडेड बाय द सॉन्ग, ए गुड कैमरा एंगल्स एंड ऑल्सो टैनिंग एंड ऑब्वियसली पंपिंग बिफोर शूट। ऑल दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से वरुण और इम्प्रेसिव लग रहे हैं। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक कि ही हैज गेन टू मच इन दिस वीडियो। आई थिंक ही हैज जस्ट एडेड अ कपल ऑफ पाउंड्स ऑफ लीन टिश्यू एट इज मसल स्ट्रक्चर एंड ही इज कैरिंग अराउंड 12% ऑफ बॉडी फैट विथ सिमिलर बॉडी सेट्स दैट वी सॉ इन द मूवी बदलापुर। एंड इसके बाद हम लोग वरुण को देखते हैं इन द मूवी डिशुम, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। एंड इस मूवी में वरुण और जॉन इब्राहिम की एक साइड बाय साइड क्लिप है, जो शायद से आप लोगों ने देखी होगी। सो दिस वॉज द क्लिप जिसके मैं बात कर रहा था। एंड आई वुड से कि वरुण इज लुकिंग सॉफ्टर एज कम्पेयर टू जॉन इब्राहिम इन दिस क्लिप। एंड बाई लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, आई वुड अगेन से कि हैज एडेड अ कपल ऑफ पाउंड्स टू हिज मसल फ्रेम विथ अगेन 12-13% ऑफ बॉडी फैट। एंड जस्ट सी कि हाउ स्मॉल ही इज लुकिंग इन फ्रंट ऑफ जॉन इब्राहिम। एंड इस मूवी के बाद वरुण की मूवी आती है इन द ईयर 2017, दैट इज बद्री की दुल्हनिया। एंड दीज आर सम ऑफ द स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम द बिगिनिंग सीन ऑफ द मूवी। और अगर हम लोग इस फोटो को उनके स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली फिजिक से कंपेयर करें, सो ही हैज क्लियरली एडेड 8-9 पाउंड्स ऑफ द लीन मसल टिश्यू इन हिज मसल फ्रेम।
But clearly, he was more leaner in the Student of the Year movie and he is again carrying around 12 to 13% of body fat in Badri. And इसके बाद आती है उनकी जुड़वा 2 movie which was released again in the same year that of Badri. And इस movie में भी he is having the same body structure that we saw in Badri. फिर 2 साल बाद उनकी movie आती है कलंक in the year 2019 जहाँ पर उनकी movie तो लोगों को impress नहीं कर पाई but वरुण धवन की फिजिक ने बहुत लोगों को इम्प्रेस करा. एंड अभी चलते हैं उनके प्री ट्रेनिंग फुटेजेस की तरफ ऑफ द कलंक ट्रांसफॉर्मेशन which is from his Instagram. And in this footage, we can visibly see that he has gained a lot of fat and especially on the stomach area. And इस clip को देखने के बाद, I would say कि he is around 15% of body fat and he is obviously shedding his fat, shedding his excess fat to achieve that kalank look. और फिर हमको देखने को मिलती है उनकी final transformation in the movie itself. And especially in this scene, I would say कि जितना unimpressive and unrealistic ये scene लगता है, उतनी इम्प्रेसिव वरुण धवन की फिजिक लग रही है. सो इन दिस क्लिप ही इज अगेन अराउंड 12% ऑफ बॉडी फैट. और अगर हम लोगों ने उनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली फिजिक को उनकी कलंक की फिजिक से कंपेयर करा सो ही हैज विजिबली एडेड 9 टू 10 पाउंड्स ऑफ लीन टिश्यू इन हिज फ्रेम. एंड उसके बाद उनकी मूवी आती है स्वीट डांसर इन द ईयर 2020 वेयर अगेन हिज बॉडी स्टैट्स आर सेम दैट ऑफ कलंक विद 12% ऑफ बॉडी फैट. सो फाइनली जो सवाल आप लोग पूछ रहे होंगे सो उस सवाल का जवाब देते हैं. And the question is Varun Dhawan natural? Of course, yes, he is natural. Unke pure career mein he just haven't touched that single digit legacy of body fat. In fact, he is carrying his own legacy of 12% of body fat throughout his career. And in his latest movie that is Street Dancer, he is just 9 to 10 pounds heavier than his Student of the Year which was released in 2012. मतलब लिटरली 8 सालों में जस्ट 4 to 5 kgs ऑफ लीन टिश्यू गेन. लाइक यार 8 सालों में जस्ट 4 to 5 kgs. दिस इज द साइन ऑफ नेचुरल प्रोग्रेशन. दिस इज द एक्चुअल साइन ऑफ नेचुरल प्रोग्रेशन. दिस इज हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स व्हेन यू आर आउट ऑफ द न्यूबी गेन्स फेज. एंड वरुण इज नॉट ओनली गेनिंग यू नो लीन टिश्यू थ्रू आउट द ईयर्स, ही इज ऑल्सो साइमल्टेनियसली गेनिंग फैट एंड ही इज ऑलमोस्ट फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 12 to 13% ऑफ बॉडी फैट थ्रू आउट हिज करियर. So the conclusion of the story is Varun is 110% natural. And guys, I am really glad ki we have star kids or people like Varun Dhawan who is genuinely, you know, promoting fitness and lifestyle. So guys, this was all in this video. But guys, jaane se pehle ek important baat discuss karni hai. See guys, jis moment pe ye video release ho rahi hai, so I would say ki at the present Varun is 110% natural. But in future, kya wo natural rahenge? So is baat ko main kya koi bhi predict nahi kar sakta. See, क्योंकि eventually it is a profession है. And ये profession ही कुछ ऐसा है कि जो you know जो actors को demand करता है to take anabolics या steroids आप जो भी बोल लो to achieve that particular look for the movie especially at the older age. For example, जैसे हम लोगों ने फरहान अख्तर की transformation देखी, आमिर खान की transformation देखी, you know शाहरुख खान. So guys, reality यही है कि आप लोग you know उस age में like in the age of 45 और 50s आप लोग bodybuilder वाली look achieve नहीं कर सकते naturally. You have to take the help of anabolics. And as I said, the profession demands. So guys, that was the main takeaway of the video. And guys, finally ये video यहाँ पर wrap up होती है. मेरे काम को support करने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हो, आप video को like कर सकते हो, इससे थोड़ा सा motivation boost होगा. So guys, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए just take care, stay safe and bye.